हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममिता और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। एक नॉनवेज रेसिपी है, आप इसका नाम है फिश भरवा पाव, इसका मैंने नाम रखा है और ये बहुत टेस्टी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज खा सकते हैं। ये छोटे मोटे घर में कोई पार्टी हो, टी पार्टी इसमें भी आप यूज कर सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। आप टिफिन में भी इसे दे सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, फिश से मैं बनाऊंगी, नॉनवेज रेसिपी है और आप खा के इसको देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप नए सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी आप बेल आइकन की जो घंटी हो उसे प्रेस कर दीजिएगा, आने वाला जो भी मेरा रेसिपी हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसका नाम मैं रखी फिश भरवा पाव। मुझे चाहिए होगा, इसके लिए मैंने ले लिया दो बड़ा पाव ले लिया मैंने दो, और इसके साथ मैं इसके चाहिए होगा और मुझे अनियन, टमेटो पेस्ट प्यूरी करके रखी हूँ मैंने, और ये है लहसुन, ये कुछ है हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा सा चीनी लिया है मैंने और गरम मसाला। और मुझे चाहिए होगा जो मेन चीज है वो है फिश। ये है 300 ग्राम फिश है मेरी, ये मैंने पहले अच्छी करके धो के रख दिया है, उसके बाद मैंने इसे फ्राई करके फिर मैंने इसे इसका कांटा जो होता है उसको निकाल लिया है, निकल के मैंने इस तरह इसे करके रख दिया है। और मुझे चाहिए सरसों का तेल में मैं इसे बनाऊंगी, क्योंकि ये सरसों का तेल में अच्छा लगता है, तो मैं पैन में ऑलरेडी सरसों का तेल ले लिया मैंने। यहाँ अभी गैस ऑन कर दिया है मैंने, मेरा तेल गर्म हो रहा है। अच्छी तरह गर्म हो गया है और मैंने यहाँ पे दे रही हूँ ये गरम मसाला, इसमें है दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग। यह मैंने एक कटोरी अनियन इसमें दे रही हूँ। इसमें आप अदरक का पेस्ट भी दे सकते हैं, जिंजर का पेस्ट, आज मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप इसमें जिंजर का पेस्ट भी दे सकते हैं, इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे अनियन अच्छी तरह भुनना होगा, मैं हल्का ब्राउन करूंगी मैं इसे। आज को मैंने मीडियम रखी से भून ली, हल्का ब्राउन होने तक मुझे इसे भून लूंगी मैं। मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अभी ये जो लहसुन है उसे मैं दे रही हूँ। मैं इसे थोड़ा हल्का सा तीखा बनाने के लिए मैं हरी मिर्च दे रही हूँ। आप चाहे तो ये हरी मिर्च ना भी दे सकती है, अगर बच्चों के लिए बना रही हो तो हरी मिर्च का स्किप कर सकती है। अच्छा लग रहा है खाने में, टेस्टी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जो टमाटर है मेरा, इसे भी मैं ले लूंगी।
फिर उसे भून लेना होगा। अभी मैं जो यहाँ पे नमक रखी हूँ, स्वाद अनुसार मैं नमक दे रही हूँ। फिश में नमक और हल्दी के साथ मैंने फिश को रखी थी तो नमक उसी हिसाब से मैं दे दिया है, और मैं ये हल्दी भी यहाँ पे दे दिया। थोड़ा सा मैं चीनी देती हूँ, मैं थोड़ा खाने में चीनी देती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसके साथ साथ मैंने जो ये फिश को रखी थी इसका कांटा निकल लिया मैंने पूरा, नहीं तो मुंह में आएगा, इसलिए मैं यहाँ ले लेती हूँ। इसे मुझे अच्छी तरह भूनना होगा, इसको अच्छी आयन तक इसे भूनना होगा। इसको मैं अच्छी तरह भूनना होगा मुझे, 10 मिनट मैं इसे ऐसे भूनूंगी जब तक इसका खुशबू और इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो 10 मिनट मैं इसे भूनती हूँ। 10 मिनट हो गया है इसे मैं भून लिया है इसे। ये जो भरवा पाव का फूड है फिश, ये मेरा रेडी हो गया है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया, अभी पाव रेडी करती हूँ। अभी मैं पाव को रेडी कर रही हूँ, मुझे गैस ऑन करना पड़ेगा, मैंने गैस ऑन कर दिया। और ये जो मेरा पाव है, ये मेरा जो पाव है ये मैं बीच से ऐसे काट लिया और थोड़ा थोड़ा पाव मैं यहाँ से निकाल लिया। ये देख सकते हैं, ये मैंने हाथों से निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे भरना होगा तो मैंने निकाल लिया। तो अभी इसे गर्म करूंगी मैं। दोनों को ये सेम चीज किया है मैंने, इसे भी ऐसे ही काट के फिर अभी मुझे पाव को गर्म करना होगा। गरम हो गया है, पाव को मैंने ऐसे अच्छी तरह सेक रही हूँ। पाव मेरा गर्म हो गया है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अभी ये मेरा बटर है, इस बटर को मैं अच्छी तरह पाव में लगा दूंगी। अच्छी तरह यहाँ पे बटर लगा लिया है, अभी जो मेरा पूर है मैं उसको इसके अंदर भर दूंगी। मैंने प्लेटिंग कर लिया है, थोड़ा मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस का कच्चा प्याज और टमाटर दिया, और ये जो मेरा फिश का जो पूर था उसको मैं पाव में भर दूंगी अच्छे से। अच्छे से मुझे भरना होगा इसे, और फिर इसे ऐसे दूसरा भी मैं ले लेती हूँ और उसे भी अच्छी तरह मैं भर दूंगी। मेरा जो फिश भरवा पाव मेरा रेडी हो गया है, ये नाश्ते में भी आप खा सकते हैं और
बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो ये प्लेटिंग मेरा देखिए सुंदर ही लग रहा है, मेरा प्लेटिंग भरवा पाव की रेडी हो गई है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये भरवा पाव कैसा लगता है, अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।